कोतवाली देहात की टीम व एसओजी की टीम ने चोरी करने वाले गिरोह को पकड़कर जेल रवाना किया। चोरों के पास से 5 आदत मोटरसाइकिल व 1 तमंचा 12 बोरे बरामद किए गए। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त के ऊपर पहले से ही चोरी व लूटपाट की घटनाओं पर मुकदमा पंजीकृत था। पुलिस व एसओजी की टीम ने आज दोनों अभियुक्त को घेराबंदी करके दबोचा। गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम मुकेश सिंह प्रभारी एसओजी, प्रियंका सिंह प्रभारी चौकी टिकोरा मोड, सुनील यादव एसओजी, नितिन अवस्थी एसओजी की टीमों ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया। आज बहराइच जनपद में थाना कोतवाली देहात की पुलिस को चौकी इंचार्ज प्रियंका सिंह के नेतृत्व में एक चोरों के गैंग को जो ट्रैक करने में सफलता हाथ लगी है। चौकी इंचार्ज प्रियंका सिंह चेकिंग में व्यस्त थी, उस दौरान उनको मोहित उर्फ राम भजन पुत्र मनोहर पासी निवासी सावलपुरवा चौक सहार थाना खैरी घाट का एक व्यक्ति मिला और उसके साथ एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली। चौकी इंचार्ज के सहायता में एसओजी टीम मुकेश सिंह के नेतृत्व में लगाई गई। उन्होंने पूछताछ के दौरान उसके एक अन्य साथी धनीराम उर्फ धुन्नी पुत्र छोटेलाल निवासी सावलपुरवा चौक सहार जनपद थाना खैरीघाट जनपद बहराइच का नाम उस प्रकाश में आया और इस अभियुक्त की निशादेही पे उसकी गिरफ्तारी हुई। वो इसके अलावा एक अन्य साथी उसका जो है भागने में कामयाब रहा है। धनीराम उर्फ धुन्नी एक चोरों के गैंग का जो लीडर है, जो कि उसके खिलाफ 15-16 मुकदमे चोरी के एनडीपीएस के और मोटरसाइकिल चोरी के उसके खिलाफ पहले से मुकदमे हैं। मोहित के खिलाफ भी 4 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और इनके पास से 5 मोटरसाइकिलें चोरी की और 1 अदद तमंचा 12 बोर का और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इन अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और इसके जो एक अन्य साथी है भागे हुए साथी की तलाश की जा रही है। और भी मोटरसाइकिलें मिलने की उम्मीद है। इन लोगों ने 4 घटनाएं जो जनपद बहराइच में हुई हैं उसमें अपना जुर्म स्वीकार किया है, जिसमें से कि हरदी थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना हुई थी, कोतवाली देहात में 3 चोरी की घटनाओं में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इनको जेल भेजा जा रहा है और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।